हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टक मोदी सर में। आज क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का थर्ड सेमेटिव टेस्ट 2023 का सजेशन है। तो आपका फुल मार्क्स 70 दिया गया है और टाइमिंग दिया गया है 2.5 घंटा। और यहाँ पर नेम लिख दीजिएगा, रोल नंबर और सेक्शन, ठीक है। क्लास तो लिखा ही हुआ है। तो आगे पहला आता है सीन। सीन का मतलब होता है जो आपका बुक से ही आया हो। तो सीन देख लीजिए, ये आपका इन 90-20, ये आपका चैप्टर 10 का है इंग्लिश का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिएगा खुद से आगे, ठीक से। उसके बाद आंसर सॉल्व करिएगा यहाँ का, ठीक है। पांच आंसर दिया है, 5 क्वेश्चन दिया है। तो ये 5:5:1 है। तो आपका 1 मार्क्स करके क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है। तो दिया गया है हुआ जस्ट्री, इसका आंसर यहीं से ढूंढना है आपको। अगर ये आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर भी हमको चाहिए, तो हम आपका वीडियो आंसर ला देंगे, ठीक है। तो फिर देखिए, ट्रू फॉल्स दिया गया है, फिर स्टेटमेंट भी बतलाना है। यहाँ ट्रू फॉल्स लिखना है, फिर क्यों आपको ट्रू लग रहा है, फॉल्स लग रहा है, आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। और देख लीजिए, इसी में से आपको ढूंढना है। फिर 2 नंबर है, रीड द पोएम। तो ये पोएम भी दिया गया है, उसको पोएम से आपको पढ़ना है और उसका आंसर देना है, टिक मार्क करना है। 3 ऑप्शन दिया रहेगा 4 नंबर का, तो आपको टिक मारना है कौन सा सही है, ठीक है। इस तरह 4 क्वेश्चन दिया गया है। फिर बी नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, तो आपको इसी में से ढूंढना है पोएम से इसका आंसर, ठीक है। फिर अनसीन पैसेज है, तो अनसीन पैसेज कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपका बुक से ही हो, बुक के बाहर से ही आता है। तो इस बार आपका शिक्षा पर दिया गया है, एडुकेशन पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा कम्प्लीट। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, उसके बाद यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है। फिर अनसीन ही से ही आपको 4 रोल आपको बतलाना है, आपका वाइटल रोल, एडुकेशन का रोल बतलाना है। तो आपको अनसीन से देखकर ढूंढ कर लिखना है। फिर ग्रामर में दिया गया है आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, तो आर्टिकल प्रीपोजिशन आपको इसका सॉल्व करना है, जैसे वी लिव इन वेस्ट बंगाल, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, तो आपको यहाँ दिया गया है, आपको यहाँ पर से करेक्ट वर्ब का फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है। इट वॉज डायरेक्ट चेंज इन टू वॉइस, ही ज्वाइन विथ विच, ये सब आपको आपका डूएस डायरेक्ट दिया गया है, इसको पढ़ना है, उसका आंसर बनाना है, ठीक है। और जहाँ नहीं हो तो कमेंट करके बताइए, तो आपका सब कर दे देंगे। फिर है स्टोरी बतलाना है, स्टोरी डेवलप करके लिखना है, टाइटल भी लिखना है उसका, मॉरल भी लिखना है, ठीक है, अपना भाषा में। यहाँ पर हिंट दे दिया गया है, इसी से यूज करके आपको स्टोरी बनाना है, 10 नंबर का है। फिर है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हाउ टू स्पेंड योर दुर्गा पूजा वेकेशन, ये भी आपको लेटर लिखना है अपने दोस्त को, किस तरह तुम दुर्गा पूजा छुट्टी मनाए थे, 10 नंबर का है। नहीं ये नहीं तो ये करना है, राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर, मीन छोटे भाई को लेटर लिखना है और उसको एडवाइस देना है कि जानवरों के प्रति दयालु रहे, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और ये वीडियो का अगर सॉल्व चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि इसका सॉल्व भी हमको चाहिए, तो सॉल्व इससे करके हम जल्दी से जल्दी दे देंगे। धन्यवाद।